फ्रेंड्स, अनूठी में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे यूपी की बहुत फेमस परवल की मिठाई। परवल की मिठाई के लिए हमको चाहिए परवल। मैंने ये 12-13 परवल लिए हैं, लेकिन देखिए हमें ध्यान रखना है, जैसे इस परवल में पीलापन है, हमें ये नहीं लेना है, तो हम इसको अलग हटा देंगे। हमें बिल्कुल हरे परवल लेने हैं, जैसे देखिए ये है, बिल्कुल हरा है, ये है बिल्कुल हरा है, ताजे हरे परवल, और उनका गूदा पीला ना हो, पका हुआ ना हो, और कच्चे बढ़िया परवल। इनको हम छील करके रख लेंगे, धोकर अच्छे से छील कर रख लेंगे, इनमें पानी नहीं रहना चाहिए। मैंने इनका छिलका उतार के रखा हुआ है। ये 12 परवल लिए हैं मैंने। इसके लिए मेरे को चाहिए मिल्क पाउडर, ये एक बाउल मिल्क पाउडर है, देसी घी है 2 टीस्पून, चीनी है 1/2 कप, पिस्ता, चिरौंजी, बादाम, काजू महीन कतरे हुए, कुचले हुए, बिल्कुल पाउडर नहीं है, लेकिन मैंने इनको चकले पर या सिलबट्टे से थोड़ा कुचल लिया है अच्छे से। और ये है मिश्री, मेरे पास देसी मिश्री नहीं थी, तो मैंने टुकड़े वाली मिश्री ली है, कैंडी। आप देसी मिश्री जो पूरा कुंजा आता है वो वाली मिश्री आप चूरा करके एक कुंजा ले सकते हैं। इसमें मिश्री का स्वाद बहुत अच्छा आता है। मेरे पास, मैं बाजार का मावा आजकल नहीं यूज कर रही हूँ, इसलिए मैं मिल्क पाउडर से मावा बनाऊंगी। इसमें मैं थोड़ा सा दूध डालूंगी, जितनी मुझे जरूरत होगी, और मैं इसका मावा बनाऊंगी। तो हम इसका अभी परवल का गूदा निकालेंगे, और इसका गूदा निकालने के लिए मैं इसको बीच में से ऐसे चीरा लगाऊंगी, ऐसे, ये देखिए ऐसे चीरा लगा के, और इसका जो गूदा है इसको मैं बाहर निकाल दूंगी, और ये ऐसे हॉलो हो जाएगा। ऐसे करके हम परवल अपने रख लेंगे, और इनको हम पानी में बॉईल करेंगे। ये मैंने पानी लिया है, इसमें इतना ही पानी डालेंगे कि ये ठीक ठीक पानी रहे, और इनको बहुत नहीं गलाना है, मुश्किल से 2 मिनट बस हम इनको करेंगे टेंडर हो जाए, क्योंकि देखिए परवल वैसे ही टेंडर होता है, गूदा निकल गया तो ये और टेंडर हो जाएगा, है ना, कितना मुलायम होती है इसकी परत, अगर हम बहुत उबालेंगे तो फट जाएगा। तो हमें मुश्किल से बॉइल करना है 2 मिनट, ज्यादा हमें इसको देर तक बॉइल नहीं करना है। तो इस तरह से मैं इनका गूदा निकाल के फिर बॉइल करती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ फ्रेंड्स, देखिए ये मैंने पानी बॉइल करने के लिए रखा है, पानी बॉइल हो रहा है, ये देखिए मैंने परवल को पूरा का पूरा ऐसे अंदर से हॉलो कर लिया है, सीड्स निकाल लिए। अब ये पानी गर्म हो रहा है, इसमें मैं अपने परवल डालूंगी। मैंने 12 परवल लिए थे, उसमें से एक परवल में बीज मेरे को वो दिख रहे थे पके हुए, तो वो मैंने हटा दिया। तो मैंने 11 परवल हैं, इनको हम बॉईल करेंगे सिर्फ 1 मिनट 1.5 मिनट, ज्यादा हम बॉईल नहीं करेंगे, क्योंकि ये ऐसा नहीं हो टूट जाए, ये टूटने लगेगा तो खराब हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद हमको चीनी के उबलते हुए पानी में भी इनको डिप करना है ना, तो हमको इसको बस टेंडर होने तक, ताकि ये बॉईल हो तो इसके अंदर भी जो रेशे रह गए हों गूदे के, कुछ रह गया हो, वो हमारा ये इसमें से साफ हो जाए, क्लीन हो जाए, चमक आ जाए, इतना हमको बस करना है। तो मुश्किल से जैसे ही बॉईल होगा, बॉइलिंग पानी बॉइलिंग प्वाइंट पर आएगा, उबलने लगेगा, तो मैं 1 से 1.5 मिनट बस इसको बॉइल करूंगी, मैं ज्यादा बॉइल नहीं करूंगी। जब तक ये परवल मेरा बॉइल हो रहा है, तब तक मैं ये आपको मिल्क पाउडर से मावा बनाना बता देती हूँ। तो मैंने, देखिए पैन है, मैंने सिम पे रख रही हूँ, हाई फ्लेम पे नहीं रख रही हूँ, मिल्क पाउडर बहुत जल्दी चिपक जाता है तली में, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा पहले दूध डालूंगी, है ना, थोड़ा सा दूध डालूंगी। अब मैं इसको तेज करूंगी फ्लेम को,
इसमें मैं अपना ये मिल्क पाउडर डालूंगी और ये मिल्क पाउडर मैं इसमें ऐसे पूरा घोल लूंगी। ये हल्की सी जो गोलियां आपको दिख रही हैं, आप परेशान मत होइए, ये अभी सब मेल्ट हो जाएंगे क्योंकि मिल्क पाउडर थोड़ा मीठा होता है, तो मैं इसमें चीनी डालूंगी थोड़ी। जैसे मेरे 11 परवल हैं तो मैं खाली करीब 10 टीस्पून इसमें चीनी डालूंगी, या आप 8 टीस्पून चीनी डालिए कि मिश्री भी हम डालेंगे, है ना, और हम इसको ऐसे मेल्ट करेंगे। जब तक ये चीनी घुल रही है हम इसको चलाते रहेंगे और ये चिपकने लगता है नीचे, इसलिए हमको लगातार इसको चलाना है, छोड़ना नहीं है हमको इसको। और देखिए इधर मेरे ये परवल बॉयल हो रहे हैं, ये देखिए मेरे परवल बॉयल हो रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट पर आ गया है पानी। बस इसको मैं 1 मिनट बॉयल करूंगी, तब तक मैं यहाँ ये दूध का मावा बना रही हूँ, है ना, मावा सिमटता है मैं आपको दिखाती हूँ। परवल बॉयल हो गया है, अब इसको मैं गैस को बंद कर रही हूँ। परवल इसमें पड़े, देखिए मेरा मावा भी ये हो गया, होने लगा है ना, देखिए चिपकता है नीचे, इसलिए मैं इसको लगातार चलाती रहूंगी, ठीक है ना। अब इसमें मैंने सिम रखी है गैस, हम गैस तेज नहीं करेंगे, इसमें मैं अपनी ड्राई फ्रूट्स डालती हूँ। हम इसको नीचे लगता बहुत है इसलिए हम इसको ना चलाते रहेंगे, अभी जैसे ही सिमटने लगेगा मैं इसमें देसी घी डालूंगी। देखिए फ्रेंड्स ये मेरा सिमटने लगा ना मावा, अब मैं इसमें देसी घी डाल दूंगी, 2 टीस्पून मैंने इसमें देसी घी डाल दिया है इसको समेटने के लिए, उससे क्या होगा चिकना होकर के सिमट जाएगा। देखिए फ्रेंड्स ये मेरा पूरा, ये देखिए कितना अच्छा मावा सिमट गया, ये देखिए ये सिमट गया। अब हम इसको ठंडा करेंगे, इसको हम छोड़ देंगे ये ठंडा हो। देखिए फ्रेंड्स ये मैंने ज्यादा नहीं है, 1 कप पानी है, ये मेरे परवल टेंडर हो गए हैं, ये पानी निकाले हुए परवल हैं, देखिए गर्म पानी में टेंडर हो गए, इनको इस चीनी के पानी में बस मेरे को भिगोना है। ये चीनी घुल रही है, चीनी घुल रही है, चीनी घुल जाएगी, बॉईल होने लगेगा पानी और मैं इसमें परवल डाल दूंगी, तो परवल की जो ऊपर स्किन है लेयर है उसमें मिठास आ जाएगी, वो फीका नहीं लगेगा। इसमें मैंने 4 टीस्पून चीनी डाली है, 4 to 5 टीस्पून हम इसमें चीनी डालते हैं 1 कप पानी में, ताकि ऊपर की लेयर परवल की मीठी हो जाए। देखिए ये चीनी इसकी घुल गई है, मैं इसमें परवल डाल रही हूं। मेरे परवल अभी भी गरम है तो मैं स्पून से डाल रही हूं, मैं हाथ से कोशिश कर रही थी डालने के लिए, ये मैंने इसमें परवल अपने डाल दी। देखिए ये बॉईल होने लगा मेरा चीनी का पानी, परवल इसमें पड़े हैं, इनको अब मैं बंद कर दूंगी। ये बॉईल होने लगा ना, अब ये चीनी का पानी तैयार है, इसको मैं बंद कर दूंगी। इसमें बस मैं मुश्किल से 1.5 से 2 मिनट परवल रखूंगी और उसके बाद इसको मैं ड्रेन आउट कर दूंगी, परवल बिल्कुल ड्राई कर दूंगी, इसको मैं छलनी में रख लूंगी परवलों को चीनी के पानी में से निकाल के। ये चीनी को अभी जब तक एब्जॉर्ब करेंगे 1 से 1.5 मिनट, बस ज्यादा नहीं रखेंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ देखिए फ्रेंड्स ये मैंने ड्रेन आउट कर दिया है चीनी का पानी सारा, इसने चीनी अपने अंदर सोख ली है, अब इसका पानी निकलना बहुत जरूरी है। ये अगर गीला रहेगा ना तो जितनी भी ये मावे में मिश्री होगी ना ये पूरा पानी छोड़ देगी और आपको मिश्री का टेस्ट नहीं आएगा, इसलिए इसका ठंडा होना, पानी ना रहना इसमें बहुत जरूरी है। ये बस टेंडर होना चाहिए, लेयर इसकी मीठी होनी चाहिए।
तो हमारे को बस ये ध्यान रखना है। अब मैं इसको ठंडा कर रही हूँ। ठंडा होते ही फिर ये मावा है जो मैंने मिल्क पाउडर से तैयार किया है, आप दूध गाढ़ा करके भी मावा तैयार कर सकते हैं और घर में, और बाकी इसी तरीके से बनाना है। मैंने बस मिल्क पाउडर से बनाया है। और ये फिर जब ये ठंडा हो जाएगा, परवल ठंडा हो जाएगा, फिर मैं ये मावा इसमें भरूंगी मिश्री के साथ। इसका परवल का ठंडा होना बहुत ज़रूरी है। देखिए ये मावा ठंडा हो गया है मिल्क पाउडर से, जो मैंने मावा तैयार किया था। इसमें चीनी, देसी घी से इसको समेटा, ड्राई फ्रूट्स को चल करके डाले हैं इसमें। परवल भी ठंडे हो गए हैं, ये हॉलो किए हुए परवल हैं सब मेरे, सब गूदा बाहर पल बाहर निकाला हुआ है। अब मैं इसमें मावा में ये मिश्री मिलाऊंगी। और ये 4 से 5 मैंने छोटी इलायची है कुचल करके रखी है, छिलका उतार के ये इसमें मिलाऊंगी। और इसको इसमें मैं अच्छे से मिला लूंगी। फ्रेंड्स अब हम इसको फिल करेंगे परवल को। अगर जैसे मुझे लग रहा है कि मेरा हाथ चिपचिप हो रहा है, थोड़ा सा मैं इसमें देसी घी लगा लूंगी। अब मैं स्पून से इसको लूंगी, इसमें मैं इसको फिल करूंगी। थोड़ा सा मेरी देसी घी मेरी उंगली में लगा है, उसे मेरी उंगली में ना ये चिपकेगा नहीं, और मैं इसको इसके अंदर ऐसे फिल करूंगी। इसको ऐसे बंद करके और डिश में रखूंगी। मैं आपको फिर से फिल करके दिखाती हूँ। मैंने देसी घी लगा लिया है उंगली में अपने, ये मैं इसमें फिल करूँगी। देसी घी लगा है उंगली में तो मेरी उंगली में चिपकेगा नहीं, और मैं इसको फिल करके, आप इसको ज़्यादा भरना चाहते हैं आप ऊपर तक भरिए, ऊपर तक भरना चाहते हैं ऊपर तक फिल करिए। इसको फिल करेंगे, मावा ठंडा होने से, क्योंकि मैंने इसको देसी घी से समेटा है ना, तो ये बहुत अच्छा फॉर्म हो जाता है। लेकिन ये है कि ये ठंडा होना चाहिए, परवल ठंडा होना चाहिए, आपका मावा ठंडा होना चाहिए। ये अगर वो होगा ना तो आपकी मिश्री पूरा पानी छोड़ देगी। इस तरह से हम सारे भर लेंगे। हाँ देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने पूरी फिलिंग कर ली है सारे परवल में। पूरे 11 परवल मेरे उस मटेरियल से फिल हो गए हैं। मैंने 12 लिए थे लेकिन एक परवल में वो प्रॉब्लम थी, पक्का था तो निकाल दिया था। अब मैं इनमें चांदी का वर्क लगा दूंगी। आपको चांदी का वर्क लगाना है तो आप जरूर लगाइए, लेकिन आप ये श्योर कर लीजिए कि वो चांदी का वर्क असली हो, क्योंकि मेटल नहीं होना चाहिए जो आपकी हेल्थ से बिल्कुल खिलवाड़ ना हो। ये मेरा बिल्कुल असली चांदी का वर्क है, ये बहुत पुराने वर्क घर पे रखे हुए हैं मेरे यहाँ। ये मैंने जो आपसे जगन्नाथ भगवान की कहानी शेयर करी है अपनी ट्रू स्टोरी, ये उतने ही पुराने हैं चांदी के वर्क, और वहीं के हैं, उड़ीसा के। बहुत अच्छे हमारे फ्रेंड्स थे, उनका ज्वेलरी का बिजनेस था, उनके यहाँ से मैंने वर्क लिए थे। ये देखिए ये चांदी के वर्क लगाए हैं। ये परवल की मिठाई मुझे आशा है आपको पसंद आई होगी। बनाने में बहुत आसान है, बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा डिलीशियस है, और यूपी वालों की तो फेवरेट है। तो आप भी मज़ा लीजिए, खाइए, खिलाइए, अपने दोस्तों से तारीफ लूटिए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको बहुत मज़ा आया होगा।
मेरे अनूठी चैनल में विजिट करने के लिए थैंक यू सो मच, मुझे समय देने के लिए थैंक्स अ लॉट। आप मेरे अनूठी चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे अनूठी चैनल पे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फेसबुक और इंस्टा का मेरा लिंक दिया हुआ है, उसको आप लाइक करिए, उस पर विजिट करिए और अनूठी चैनल पे आप आते रहिए, मुझे समय दीजिए, मेरा हौसला बढ़ाइए। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।